अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आई वेलकम यू ऑल टू द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है डार्क रियलिटीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। जैसा कि आप लोग लास्ट टू एपिसोड्स में भी देखते आ रहे हो कि हम कुछ इस तरह की फॉल्स इमेज से पर्दा हटा रहे हैं जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग की बन सी गई है, और उसके रीजंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ताकि पेड प्रमोशंस, आके हमारा फॉर्म फिल कीजिए और लाखों कमाइए, या आपने ये भी सुना होगा कि फिल द फॉर्म इन बायो और ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए, जल्दी करें और आज ही एक्शन लें। इस तरह की चीजें हम अक्सर सोशल मीडिया पे आजकल देख रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है, ना सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में बल्कि हर इंडस्ट्री में। हर कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, जो भी सर्विस सेल करती है, वो इन्फ्लुएंसर्स का सहारा जरूर लेती है ताकि उनकी मार्केटिंग या उनकी प्रमोशन हो सके। तो यहाँ पर मैं एक बात करूंगी कि आप लोगों ने सुना होगा हमेशा से कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि हम एक सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं, तो ये कहना गलत नहीं, हमें नहीं मालूम कि उन तीन चेहरों में से कौन सा चेहरा उसका रियल है। तो आइए बात कर लेते हैं, मैं अपने पैनल को इनवाइट कर लेती हूँ। मेरी ऑडियंस भी इससे अग्री करेगी कि यूजुअली यही होता है कि हम जब फ्री टाइम में अपने स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं और अचानक हमारी पसंदीदा सेलिब्रिटी या फेमस पर्सनैलिटी का वीडियो हमें नजर आ जाता है, और वो हमें रिकमेंड करते हुए नजर आते हैं कि भाई जल्दी से, ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको आप ग्रैब कर लें। तो क्या हो रहा होता है कि एक इसको कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। तो इंसान जो है ना, उसका शिकार हो जाता है। अच्छा, वो सेलिब्रिटीज इतने पॉपुलर होते हैं कि उनकी उस ऑनलाइन अर्निंग अपॉर्चुनिटी वाली वीडियो के ऊपर बेतहाशा रिएक्शंस आए हुए होते हैं कि लोग कहते हैं यार इतने सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो चलो जल्दी से मैं भी फिल कर लेती हूँ, कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं या मेरे हाथ से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए। अच्छा, मजे की बात यहाँ पर है, मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस तरह वर्क करती है उस पर रोशनी डाल दें, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो एडवर्टाइजिंग का या सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट का कोई काम ही नहीं है, राइट? बिल्कुल ऐसे ही है मैम, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल है ना, वो बेसिकली एक कॉमन मैन के लिए बनाया गया है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन ही इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती, हमने सारा काम खुद करना होता है। अगर हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात कर लेना, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जो ओनर है, जो फाउंडर है रेक्स मोगन, उनका विजन भी यही था कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे कि वो कॉमन मैन को बेनिफिट दे। वो यही कहते थे कि मैं क्यों लोगों की जेब भर, लोगों के पास जो ऑलरेडी रिच हैं, उनके पास पैसा क्यों जाए, व्हाई नॉट मेक अ प्लेटफॉर्म जिससे एक कॉमन मैन को जो है ना फायदा हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग का अगर बेसिकली आप बिजनेस मॉडल देखें ना, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट नहीं है। जो इसका पार्ट होता है वो खुद ही प्रोडक्ट्स को यूज करता है। सबसे पहले ही बिकम्स अ यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, फिर वो उसको रेफरल के तौर पर उसको सामने लोगों के पेश करता है और उसी की उसको अर्निंग आती है। तो सिंपल अगर देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल वो कॉमन मैन के लिए, वो इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है। इनकी इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके इस तरह चलूंगी कि हमारे बिजनेस में जब तक हम प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करते, हम उसको आगे लोगों को रेफर नहीं करते। उसका पहला एक मेन पॉइंट ये है कि हम प्रोडक्ट्स को खुद यूज करें और फिर हम लोगों तक उसको पहुंचाएं। तो जब इन लोगों को पूरा बिजनेस जो उसका प्लान है वो ही नहीं पता होता, उनको कुछ भी बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, कभी उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज नहीं किया, तो वो किस तरह लोगों को आगे बता सकते हैं? वो जस्ट अपना पैसा बनाने के लिए उसे आगे प्रमोट तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास अपने इस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल। तो यहाँ पर ना मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि देखें, आप लोगों ने बहुत सॉलिड पॉइंट यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री का रखा है, और वो ये कि एक तो नंबर वन ये कि ये जो बिजनेस मॉडल है ये कॉमन इंसान के लिए बना है, ठीक है, कॉमन इंसान को एक रोजगार फराहम करना। और वो रोजगार क्या है कि जो का जो एक विजन था वो ये था कि भाई एक कॉमन मैन को हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथ रजिस्टर करें, और वो बंदा, वो पर्सन जो है, हमारी प्रोडक्ट को खुद यूज भी करे और फिर उसको आगे प्रमोट भी करे। और प्रमोशन में एफर्ट्स लगती हैं ऑफकोर्स, यानी कि जो काम इजीली लाखों करोड़ों रुपए पे करके मीडिया को, एजेंसीज को, सेलिब्रिटीज को लाखों करोड़ों रुपया जो है मंथली बेसिस के ऊपर पे किया जाता है, जिसकी बदले में ये लोग उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो इतना बड़ा, इतना इंपॉर्टेंट काम एक नेटवर्क मार्केटर कर रहा होता है उस कंपनी के लिए, दैट इज वाई द कंपनी पेज द नेटवर्क मार्केटर। और इसीलिए इसमें बड़ा जबरदस्त करियर बनाने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरा ये कि इट्स अ ऑनेस्ट बिजनेस ना, क्योंकि देखो हम यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, हमको पता है कि ये प्रोडक्ट ने हमें बेनिफिट दिया
और वही ऑनेस्ट बेनिफिट हम लोगों को बता रहे हैं, एज कम्पेयर टू एन इन्फ्लुएंसर और अ सेलिब्रिटी जो सिर्फ पैसे लेकर, आज मैं भी अगर उनको 5 लाख रुपीज पे कर दूं और मैं उनको बोलूं 30 सेकंड्स की एक स्क्रिप्ट बना के दे दूं और उनको बोलूं कि भाई ये मेरा एक ब्लूटूथ स्पीकर है, ऐसा करें आप इस पे एक रिव्यू लिख दें, ठीक है, अब उन्होंने ये ब्लूटूथ स्पीकर यूज नहीं किया फिर भी वो उस पे एक रिव्यू बना देंगे, क्यों? क्योंकि बिकॉज आई एम पेइंग देम 5 लाख रुपीज। तो ये बड़ा मिसलीडिंग एक हो जाता है कि विदाउट एक्सपीरियंसिंग दैट प्रोडक्ट, बगैर उसकी छानबीन किए, बगैर उसके बारे में जाने, ये अपॉर्चुनिटी सही है भी नहीं है, लोगों का नुकसान तो नहीं करेगी। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, या वो सिर्फ अपना काम कर रहे होते हैं बेसिकली। यहाँ पर एक पॉइंट जो मैं उठाना चाहूंगी आप लोग इस बात पे डिस्कस करें कि फिर क्या ये क्या वजह है कि हमारी यूथ जो है वो क्यों इतना ज्यादा इन इन्फ्लुएंसर्स या सेलिब्रिटीज के कहने में आ जाते हैं, कुछ भी वो उनको एक मैसेज बना के दे दें और वो उसके ऊपर एक लंबी दौड़ लग जाती है इसके पीछे, व्हाई इज दैट? मैम असल में बात ये है कि आजकल की जो यूथ है ना वो जाती है नंबर ऑफ फॉलोअर्स की तरफ, अब लेकिन उनको पीछे ये नहीं पता होता कि वो नंबर ऑफ फॉलोअर्स आए किस तरह से। तो भेड़ चाल की समझे एक दौर चल चुका है, जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं लोग समझते हैं उतना ही ऑथेंटिक है, चाहे उसके पीछे कोई कंटेंट काम का है या नहीं है। अब एक सिंपल मिसाल है, पिछले दिनों आपने देखा होगा एक इन्फ्लुएंसर ने सिर्फ अपनी एक अपनी नंबर ऑफ फॉलोइंग बढ़ाने के लिए उसने बोला कि अगर मेरे इतने हो जाते हैं तो मैं अपने बाल उतरवा लूंगा, एंड ही डिड इट बिकॉज उसके लोगों ने, चलो जैसे भी चाहे उसको पसंद करें ना करें, या फिर कुछ लोगों ने यूं भी फॉलो किया कि चलो देखते हैं ये गंजा होता है कि नहीं होता, तो लोगों ने अंधाधुन उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो ऐसे भी लोग हैं कि विदाउट एनी कंटेंट कि उनके पीछे क्या चल रहा है, वो प्रोडक्टिव है नहीं है, या उनकी जो टीचिंग, देखिए इन्फ्लुएंसर कौन होता है, कोई ऐसा बंदा इन्फ्लुएंसर बने ना कि जो माशरे में कोई प्रोडक्टिव चीज कर रहा हो, जो माशरे में कोई बेहतरी ला रहा हो। लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स वो लोग बन गए हैं जो सिर्फ खाली नाच गाना दिखाते हैं, उससे हमारी यूथ जो इन्फ्लुएंस हो जाती है, या फिर वो अपने घर की औरतों को दिखा रहे होते हैं कि आज उन्होंने नाश्ते में क्या बनाया, आज उन्होंने खाने में क्या बनाया, आज वो बाहर किधर जा रहे हैं। तो बेसिकली लोगों को अगर माइंडसेट देखा जाए ना तो वो लाइफस्टाइल के ऊपर जाते, हालांकि वही चीजें हम भी अपनी लाइफ में कर रहे होते, लेकिन या तो हमारे लिए लोगों को दूसरे की लाइफ देखने में ज्यादा इंटरेस्ट हो गया जो हम अंधाधुन उनको फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर आई डोंट नो। वही अगर आज से हम 30 से 40 साल पहले का टाइम देखते हैं तो इन्फ्लुएंसर तो उस टाइम पे भी थे जो दानिश्वर कहलाते थे, जो बैठते थे बातचीत करते थे, लेकिन उससे ये था कि हमारे माशरे की इस्लाह हो रही थी, वो कोई अच्छी बात बताते थे, कोई प्रोडक्टिव चीजें होती थी। लेकिन आजकल तो वो नहीं हो रहा, आजकल या सिर्फ नाच गाना है या फिर फनी चीजें दिखा रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। आप जितने ऐसे लोग हैं उनके आप उठा के देख लें, मिलियंस में व्यू होंगे, लेकिन पीछे क्या होगा, जाके आप पूरे कंटेंट उनके देख लें, कोई आपको एक भी काम की चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो व्यूज देखती है यूथ तो वो कहती है कि हम भी बस इन्हीं की लाइन में लग जाए। यही चीजें हैं जो हमारे बच्चों को मुतासिर कर रही हैं और सोसाइटी पे इसके नेगेटिव असरात आ रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो सिर्फ नाच गाना दिखा रहे हैं, अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंस मतलब ऐसे लोग भी हैं जो दानिशवर हैं, जिनको मतलब जिनकी बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके पीछे उनका एजेंडा क्या होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है, लेकिन बैक ऑफ द एंड जो सारा पाकिस्तान में जितने जो इन्फ्लुएंसर्स या सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, तो वो आके खड़ी हो जाती है पैसे के ऊपर। आप किसी को 5 लाख रुपए दे दोगे तो वो किसी छोटे से ब्रांड को बहुत बड़ा बना देगा, ठीक है, और वो ही उसी इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे दोगे तो वो एक इतनी बड़ी कंपनी जो 45 ईयर से काम करके उसको बुरा भला कहना शुरू कर देगा कि उसकी प्रोडक्ट काम नहीं है, और फिर आप उन्हीं इंटेलेक्चुअल लोगों को देखेंगे तो वो झाड़ू पोछे की चीजें भी प्रमोट कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात आ जाती है ना वो देखने वालों की आ जाती है कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। बंदा जब कहता है कि 45 ईयर से जो काम कर रही है कंपनी इट इज ट्रैश, उसकी प्रोडक्ट ट्रैश है, इंटेलेक्चुअल जिसे आप कह रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर काफी ज्यादा मशहूर है वो हमारी कंट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको भी हमने यही देखा गया कि एक तरफ वो जो है एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी छानबीन किए बगैर उन्होंने जो है उसके गुण गाना शुरू कर दिए और उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया, और अभी थोड़े ही दिन पहले सेम इंडस्ट्री को वो किसी और खातून के साथ बैठ के उसके नेगेटिव पॉइंट्स बयान कर रहे हैं। तो देखने वाला एकदम
थोड़ा सा माइंड बॉगल हो जाता है, थोड़ा सा भी शऊर रखता है ना वो इंसान, ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देता है कि अभी तक इतने सालों तक आपने एक अपनी इमेज बनाई, आप यूथ को गाइड कर रहे हैं, यूथ आपको लुकअप करती है, इंस्पायर होती है, और आप फिर अगर ये हरकतें करते हुए नजर आते हो तो वाकई आपकी आपका जो एजेंडा है कॉन्टेंट क्रिएट करने का, इसका मतलब है वो सिर्फ मनी मेकिंग है। आप यू आर नॉट एक्चुअली हियर, यू आर नॉट मेकिंग कॉन्टेंट टू हेल्प द यूथ, इसका मतलब है ना आप पर्सनल एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हो। इसी तरह मुझे एक और भी याद आते हैं, अभी कुछ कपल ऑफ इयर्स बैक जो अपने फॉलोअर्स को मिलियनेयरों कहके बुला रहे होते हैं, आई रियली वंडर कि उन्होंने कितने मिलियनेयर अभी तक क्रिएट कर लिए हैं, क्योंकि जो कुछ वो करते हुए नजर आते हैं इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इसको कल वाले एपिसोड में हमने डिस्कस भी किया था बल्कि कि एफिलिएट मार्केटिंग करते हुए वो साहब नजर आते हैं, जबकि एफिलिएट मार्केटिंग एक छोटा सा पार्ट है, बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। सो यहाँ पर भी हमें काफी तजाद नजर आता है आपके कॉल ऑफ फेल में, तो ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करना नहीं करना, एक शौर रखने वाला इंसान क्वेश्चन करता है इन चीजों को। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग नेटवर्क मार्केटिंग एंड इन्फ्लुएंसर्स का रोल क्या है हमारी इंडस्ट्री में। तो क्या ये इन्फ्लुएंसर्स, एक तरफ तो यस दे आर प्रमोटिंग आवर इंडस्ट्री, ठीक है, लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको अवेल करो, लेकिन अंदर से अगर आप इसको देखें ना तो बेसिकली दिस होल प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स इज डैमेजिंग आवर इंडस्ट्री। ये इसको डैमेज किस तरह कर रहा है, इस चीज के ऊपर मैं चाहूंगी कि आप लोग जरा सा रोशनी डालें। इससे फर्क क्या पड़ रहा है, जो बिकॉज द रिचर इज गेटिंग मोर रिच, ठीक है, उसके पास पैसा है, उसने सेलिब्रिटी को हायर कर लिया, सेलिब्रिटी को हायर करने की वजह से उसकी जो एक टीम बनना शुरू हो गई, यानी एक छोटा एक जो न्यू एंट्रेंट है, सही है, लेट्स सपोज एक ऐसा ड्रीम्स से भरा हुआ एक यूथ है, ठीक है, जिसकी एज सिर्फ 20 इयर्स है, वो किसी सेलिब्रिटी का वीडियो देखकर उस पर्टिकुलर टीम का पार्ट बन जाता है। अब आगे वो वर्किंग किस तरह करेगा, आगे वो अपना नेटवर्क किस तरह बिल्ड करेगा। अच्छा, ऑब्वियसली यहाँ पे जब एक नया बंदा ये हाइप के थ्रू होके इस नेटवर्क में आ गया, ठीक है, अब जब वो यहाँ आ जाता है फिर वो देखता है कि वो इस चीज का पार्ट बन गया, उसने सेशंस भी ले लिए, उसने सारी ट्रेनिंग भी ले ली, उसने सब कुछ देख भी लिया, आगे फिर वो उनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता खुलती कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, तो कुछ लोग वहीं से पीछे चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग के माइंड में होता है कि भाई नहीं, फला इन्फ्लुएंसर्स के बात पे मैं आया हूँ, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। अच्छा, वो कुछ करके वो इन्वेस्टमेंट करके उस चीज का पार्ट बन ही जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो ऑब्वियसली वो सारा सिस्टम ही खोखला है, उसमें ट्रेनिंग नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें प्रोडक्ट्स का वादा किया जाता है लेकिन उसको प्रोडक्ट्स मिलती नहीं है, ना उसको प्रोडक्ट के बारे में कोई चीज समझाई जाती है, तो जब पीछे सारा सिस्टम ही खोखला होता है तो वो जो ड्रीम से भरा हुआ यूथ है या ड्रीम से भरी हुई हाउसवाइफ है कि जो ये देख के आती है कि बस मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करूंगी और मैं अगले महीने से ही मेरे जो है ना घर में पैसों की रेल पे हो जाएगी या मेरे सर पे से छप्पड़ फटेगा और पैसों की बरसात होना शुरू हो जाएगी, तो उसके क्या होता है कि ड्रीम्स का मर्डर होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल बात है, वो कहते हैं ना मुझे ट्रेनिंग मिलती है ना प्रोडक्ट्स मिलती है, सो ऑब्वियसली वो फिर उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका भी साबित होता है और फिर लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। सो काम हमेशा वही करना चाहिए कि जिसमें आप हाइप क्रिएट ना करें, लोगों को कम से कम बताएं, या फिर अगर लोगों को हाइप के जरिए आप ला रहे हैं तो आपका सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि उनको प्रॉपर ट्रेन करें, उनको प्रॉपर बिजनेस सिखाया जाए। आपने कहा कि सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अगर आपने इतने बड़े सेलिब्रिटी को हायर करके इतने सारे ढेर सारे लोगों को जमा कर भी लिया और अपनी टीम का पार्ट बना भी लिया, ठीक है, वो जो इंसान है वो इस ड्रीम से आता है कि अब मैं यहाँ आके काम सीखूंगा, और यहाँ पर इनका सिस्टम बड़ा जबरदस्त बना हुआ होगा, क्यों, क्योंकि ये तो मीडिया पे शो हो रहे हैं, ये तो इनको तो सेलिब्रिटीज इंडोर्स कर रहे हैं, वो बिलीव करता है कि यार इनका बड़ा जबरदस्त बिजनेस सिस्टम बना हुआ होगा, मैं इस बिजनेस सिस्टम का पार्ट बनूंगा और मुझे ट्रेन किया जाएगा, मुझे काम सिखाया जाएगा, जबकि होता उसके बरक्स है। उसको भी यही कहा जाता है कि भाई अगर तुम्हें लीड्स चाहिए पैसे खर्च करो, अब वो बंदा कहाँ से पैसे खर्च करे जो ऑलरेडी बड़ी मुश्किल से बिजनेस ज्वाइन करने के लिए उसने पैसे अरेंज किए होते। राबिया, बिकॉज आपके जो है ना माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो एडल्ट हैं, एडल्ट एज में एंटर हो चुके हैं, तो एज अ मदर आप इस तरह के जो टीनएजर्स हैं या जो लेट टीन में इवन पहुंच चुके हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अगर उनको अपने अपना आइकॉन एक क्रिएट करना भी है या अगर उनको किसी से इन्फ्लुएंस होना भी है या मोटिवेट होना है तो होम शुड दे लिसन, क्या एक आपकी नजर में एज अ मदर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि देखा तो यही जाता है कि हमारी यूथ ज्यादातर उसी को फॉलो कर रही होती है जिसके ऊपर लाइक्स ज्यादा आ रहे होते हैं, उसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, उसके कॉमेंट ज्यादा है, उसका कॉन्टेंट वायरल हो गया है, तो जी सब फॉलो कर रहे हैं, चलो जी हम भी फॉलो कर लेते हैं, तो ये एक ना स्टैंडर्ड बन गया है हमारी, अनफॉर्चुनेटली हमारी यूथ के माइंड में,
तो व्हाट डू यू से कि हाउ टू जज के एक पर्सन वाकई इस काबिल है भी कि उससे इन्फ्लुएंस हुआ जाए या उससे इंस्पायर हुआ जाए? अब ये तो हम उनके कंटेंट देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि एक बंदा जो पीछे या वो एक्टिंग कर रहा है या वो फनी रील बना रहा है या वो नाच गाने में मशगूल है, तो वो आपको प्रोफेशनल लेवल पे किस तरह गाइड कर सकता है, आप किस तरह अपने प्रोफेशनलिज्म को लेके उससे आप किस तरह ले सकते हैं मशवरा, या वो आपको कैसे एडवाइस कर सकता है कि आप आगे जी आप ये बिजनेस इसको ज्वाइन कर लें, इसमें आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना, उसके लिए आपको देखना है कि कौन आपको गाइड कर रहा है। आपको असल में ये देखना है कि पीछे आप किस से आप एडवाइस ले रहे हैं और किसको आप देख रहे हैं, किसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने कुछ इंडस्ट्री को इतना बुरी तरह से काबू किया हुआ है कि हर बच्चा इन्हीं को फॉलो कर रहा है, इन्हीं को देख रहा है, चाहे हम जितना भी रोकथाम कर लें, लेकिन अभी इस टाइम जो है ना हम बुरी तरह शिकंजे में हैं, तो इससे निकलना जो है वो थोड़ा मुश्किल जरूर है। लेकिन इंशाल्लाह अवेयरनेस के जो प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस पे बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं, इंशाल्लाह बच्चों में जैसे जैसे शोर आता जाता है वो समझ जाते हैं। बिल्कुल महविश, यहाँ पर बहुत अच्छी बात की राबिया ने। मैं चाहूंगी आपका भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं एज अ हाउसवाइफ, क्योंकि आजकल हाउसवाइफ्स जो हैं वो बड़ा मॉर्निंग शो से इंस्पायर होती हैं, ठीक है। हालांकि मॉर्निंग शो जो कर रहे हैं वो उनकी एक्सपर्टीज है। उनकी एक्सपर्टीज क्या है? कंटेंट क्रिएट करना और खवातीन से रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करना। हालांकि देखा यह गया है कि देखें जो बाहर के कंट्रीज में जो मॉर्निंग शोज होते हैं, जो टॉक शोज होते हैं, ओपरा विनफ्री एक बहुत नुमाया नाम है, एलन डिजेनरिस बहुत नुमाया नाम है, ये लोग बात करते हैं विमेन इश्यूज के ऊपर, ये लोग बात करते हैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो वाकई माशरे में कोई बेहतरी लेकर, यानी कि अगर खवातीन उनका शो देख रही हैं तो उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ जो हाउसवाइफ्स को जो कंटेंट उनके माइंड्स में भरा जाता है, स्पेशली इन दैट टाइम, मॉर्निंग का वो टाइम होता है जो हाउसवाइफ का अपना टाइम होता है, वो बड़े फोकस के साथ देख रही होती है। तो अगर आप उस टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें, हाउसवाइफ को कोई ऐसा कंटेंट दिखाएं जो उसके काम आए, लेकिन उसके ऑपोजिट ही हो रहा होता है। मॉर्निंग शोज इतने ज्यादा पॉपुलर हैं जबकि उनमें क्या दिखाया जा रहा होता है, शादियां दिखाई जा रही होती हैं, ठीक है, ससुराल की डिस्कशन हो रही होती है, मैंने क्या शॉपिंग की अमेरिका जाके वो डिस्कशन हो रही होती है, फिर भी उन जैसी सेलिब्रिटीज को एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है कि अगर वो भी बिजनेस की बात करेंगी तो मासूम खवातीन ये समझने लगती है कि यार इसको तो सब पता है, अगर ये बिजनेस की बात कर रही है तो उसका मतलब है जरूर कोई रियलिटी होगी। जैसे कि राबिया ने कहा कि भाई एक इंसान की अगर उसमें एक्सपर्टीज ही नहीं है, आपको बिजनेस एडवाइस लेनी है तो आप बिजनेस पर्सन के पास जाओ, आप किसी सीरियस इंटेलेक्चुअल पर्सन के पास जाओ वो एडवाइस लेने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना चाहोगी महविश आप? मैम यहाँ पे आपने नाम लिया ओपेरा का और बाहर के जितने जो टॉक शोज करते हैं, जो सोशल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं, तो उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें उनका अपना भी हाथ होता है रिसर्च के अंदर, ठीक है। और जो जो वो एपिसोड कंडक्ट कर रही होती है उसमें आधी रिसर्च उनकी खुद होती है, जबकि हम जैसी जो हाउसवाइफ्स हैं, सिंपल वेमेन है घर में रहने वाली, जिन्होंने अपने सुबह के 3 से 4 घंटे प्रोडक्टिव या मजे के यूज करने हैं एक एंटरटेनमेंट के लिए, तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारे चैनल्स के ऊपर जो मॉर्निंग शो होस्ट बैठी हैं वो सिर्फ आके बैठती हैं, उनको ब्रीफ किया जाता है और वो शो कंडक्ट कर देती हैं। पीछे जो सारा रिसर्च का जो मामला होता है वो पूरी एक टीम होती है जो उनको बना के देती है और फिर उसके ऊपर वो शो कंडक्ट कर देती है, ठीक है। सो ये मेन डिफरेंस है मॉर्निंग शोज की। जितनी भी होस्ट हैं पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली आपने उनका इंटेलेक्चुअल लेवल तो देखा है, उनके ऊपर मीम्स बनती है, उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर मीम्स बनती है। तो मैं नहीं समझती कि अगर एक बाशहूर हाउसवाइफ अगर मॉर्निंग शो देख रही है तो वो ये जज ना कर सके कि भाई अगर ये मॉर्निंग शो के ऊपर शादियां चल रही हैं या मॉर्निंग शो के ऊपर स्किन केयर सिखाई जा रही है तो ये बिजनेस के बारे में भी जानती होंगी, ठीक है। बिजनेस वुमेन अगर बनना है तो उसके लिए बाकायदा आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें आपको टाइम लगाना पड़ता है। राह चलता बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, आपको उसके लिए पूरा बिजनेस करने के लिए माइंडसेट चाहिए। तो अगर माजरत के साथ हो सकता है किसी को मेरी बात यहाँ पे बुरी भी लगे, लेकिन जो हाउसवाइफ पर्दे के पीछे बैठी हुई है, टीवी स्क्रीन के पीछे बैठी हुई जो देख रही होती है ना, उनको पीछे पता नहीं होता। हम जैसे लोग जो रिसर्च करते हैं, जो शो रखते हैं, वो तो जानते कि इनके पीछे पूरी टीम है जो इनको पूरा बना के देती है, उन्होंने आके सिर्फ टीवी पे बैठ के लोगों को बताना होता है और उनके जो है ना 3-4 घंटे अच्छे गुजारने होते हैं, इस पे उनका रिसर्च नहीं होता। जो उनको ऑब्वियसली आपको पता है कि जो मेहमान भी मॉर्निंग शोज में आते हैं तो वो बकायदा उनको पैसे दे के बुलाया जाता है, ठीक है, और कुछ लोग बकायदा पे करते हैं मॉर्निंग शो पे आने के लिए।
महवेश की इस बात पे मैं बस सिर्फ एक ही दूंगी कमेंट के जो बाशऊर खवातीन है, मेरा नहीं ख्याल कि वो आजकल बैठ के मॉर्निंग शोज देखती होंगी, क्योंकि मॉर्निंग शोज में वो चीज़ रह ही नहीं गई कि जो ज़रा भी समझदार खवातीन हो या कि वो बैठ के उस पर अपना टाइम वेस्ट करें, बजाय इसके कि वो बैठ के कोई अपनी स्किल्स इम्प्रूव करें, अपने लिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम देखें। क्योंकि मॉर्निंग शोज किसी टाइम में होते थे जब कभी हमारे बचपन में अच्छे लोग बैठते थे और उसमें बड़ी अच्छी काम की बातें बताई जाती थी कि वो देखने दिल करता था, वो एक घंटे का होता था, लेकिन अब तो नॉन स्टॉप 3 से 4 घंटे बस सिर्फ उसमें फैशन शो चल रहा है या उसमें मॉडलिंग चल रही है या मेकअप चल रहा है, बस सिर्फ ये या शादियों के इवेंट्स करवा रहे हैं, उसके अलावा उसमें और कुछ भी देखने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। क्योंकि सारा जो खेल होता है ना वो रेटिंग्स का होता है मॉर्निंग शो के अंदर, और हॉट टॉपिक्स को पकड़ा जाता है, औरतों की कमजोरियों को पकड़ा जाता है, उनकी दुखती जो है ना रग के ऊपर हाथ रखा जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत से हफ्ते में एक दो बार इस तरह के होते हैं प्रोग्राम जिसमें वो बाकायदा औरतों को रुलाया भी जाता है किसी की साज टोपी लाके इस तरह करके। सो ये सारा माइंड गेम होता है, ये बाकी रिचुअल से होता है कि किस तरह मासूम लोग जो उनको देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इमोशनली अटैच हों, उसके अंदर जो है ना इंटेलेक्चुअल का कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ आपकी दुखती रग के ऊपर हाथ रखा जाता है जिससे उनकी रेटिंग बढ़े। तो हमारा जो इस एपिसोड को करने का मकसद था वो ये था कि लोगों को थोड़ा सा इस चीज के ऊपर से पर्दा उठाया जाए कि देखें सेलिब्रिटीज एंड एक्टर्स आर व्हाट दे आर एक्टर्स, दे आर एक्टिंग, दे आर डूइंग व्हाट दे आर पेड फॉर, उनको वो वही कह रहे हैं, वो वही करते हुए हमें नजर आते हैं जिसके उनको पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर आप कुछ चैनल्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एवरीबडी इज डूइंग अ बैड जॉब, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एंटरटेनर है उसको एंटरटेनर के तौर पर ही फॉलो किया जाए, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है उसको मोटिवेशन के तौर पर ही फॉलो किया जाए, और जहां से अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेनी है उसके तरीकाकार कुछ और होते हैं। आप अपनी रिसर्च बेस बनाइए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लर्न करना है, आप उन प्रोफेशनल्स को अप्रोच कीजिए, आपको ई कॉमर्स के बारे में लर्न करना है, आप ई कॉमर्स प्रोफेशनल्स को अप्रोच कीजिए, वही आपको सही से गाइड करेंगे, बजाय इससे कि हम अंधी तकलीद में एक जस्ट बिकॉज एक पर्सन मशहूर है पब्लिक के सामने जो है उसकी एक बड़ी जबरदस्ती लाइफस्टाइल है आप उसको फॉलो करना शुरू कर दें। असल में होता क्या है, हमारी जो आवाम है वो थोड़ी सी, मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि कहीं ना कहीं एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है, और जो एक कॉमन मैन है ना वो बड़ा इंस्पायर हो जाता है सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को देख के, वो चाह रहा होता है कहीं ना कहीं कि मैं भी इन जैसा बन जाऊं, और अंधी तकलीद में इतने ज्यादा हम गुम हो जाते हैं कि हमें हमारी जो है ना सोचने समझने की सलाहियत कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, हमें ये लगता है कि इन्होंने अगर एक चीज रिकमेंड कर दी है जल्दी से उसको ग्रैब कर लो, शायद हम भी इन जैसे बन जाएं, हमारी भी लाइफस्टाइल इन जैसी हो जाए। तो प्लीज अपने आप को इतना ज्यादा कमजोर मत बनाइए कि मतलब यही एक रास्ता है आपके लिए सक्सेसफुल होने का, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा देखें, अकल इंसान अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है, अपना ब्रेन यूज कीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि यस सोशल मीडिया इज अ गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नॉलेज आपने लेनी कहाँ से है, राइट गाइडेंस आपने लेनी कहाँ से है। हमेशा रीच आउट टू द एक्सपर्ट्स एंड नॉट जस्ट बिकॉज एक पर्सन फेमस है आप उसके पीछे ना जाइए, और अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। So that is one way कि जहां आप अपना नुकसान होने से बच सकते हैं।